आपने अभी दोनों की टोटी देख ली, पर कौन की टोटी सबसे लंबी टोटी चलने वाली, मतलब कौन अकेला टोपी की टोटी लंबी तो होगी भाई। देखो कौन एक दिन अपने पापा के साथ पटू घूमने गया था, अरे आगे वाला कौन है, वो अपने पापा के साथ ऐसे घूमने गया था, पर एक दिन वहाँ पर उसके पीछे से मैलंगिक पीछे वाला एक आदमी आया जिनको उसने देखा नहीं, जिसके हाथ में गन थी, उन्होंने गन उठा के उनके पापा को शूट कर लिया, और कौन की नज़र पड़ी तब तक वो भाग गया, और तब कौन की नज़र पड़ी थी उसके पापा मर गए हैं, तो उन्होंने उन पर एक्सप्लेन करने को दिखा रही, तभी उन्होंने देखा कि पीछे की रीजन की चिंग पड़ी है जो छोड़ के भागते हुए गिर गई थी, उन्होंने वह चिंग लगाई तो उसके पापा ठीक तो हो गए, पापा उनका दिमाग खराब हो गया और कभी भी कुछ भी कर ले शुरू कर जाते, कभी डांटना शुरू कर देते थे कहीं भी, मतलब उनको उसके पापा पे एक वजह लानी पड़ी जीते हो बर्बादी ना करे बड़ा वही वजह शुरू हो जाएगी, और ये वही वजह उनके हाथ पे लगाई, फिर भी कौन के पापा बहुत पागल हो रहे थे और अचानक से उनकी बच्ची जग जाती है और कौन के पापा खड़े नहीं हो पाते, कौन को वापस छोड़ के बटू अपने घर पे ही वापस अरे छोड़ के चलता है, फिर बना दे कुछ हवा ले रहे, तभी बच्चों वाली जगह कौन के पापा को मारा था, अरे वो वाला यार भी वो पीछे खड़ा था कौन के एक तलवार लेके, और वो टलवार गलती से उसके अड्डे चल नहीं जाती है, और सारे लोग समझते हैं कि कौन ने उसको मारा, और कौन के पापा उनके पागल पर देख के बताऊ वो भाई कुछ पागल साइंटिस्ट हो रहे उस पर एक्सपेरिमेंट करके उसको तारों में देखो दिख रही एक मशीन से, जिन तारों में पहुँच तो गए वहाँ पर उनकी हालत बहुत ख़राब हो गई, वो और चार्ट भी कहने पहुँचे थे वो आप सीजन टू में देख रहा मैंने प्ले ग्राउंड के अभी क्लियर, बाय बाय और कहीं जल्दी तो बाय बाय बोल दिया मेरा मतलब वो कौन से आगे का देखते हैं, तो सबको लगा कौन ने उनको मारा, तो कौन को बट वो जेल में छह होने वाली थी आधो पटाऊ, और कौन के लिए और जेल से भागना था उसके लिए, और उसको ऐसे मतलब बांटा गया था जिससे भागना था, कौन को मतलब लोहे से बांटा गया था कि उसके पाँव भी हिल ना पाए, और कौन के बाद कुछ दिनों में एक जेल भी बनाने वाले थे जिससे भाग भी ना पाए, और उन्हें कुछ डब्बे लाए, कुछ देर बाद बटू कॉप का जेल भर गया जो एक डब्बों से बड़ा हुआ था, और कॉन के मर्डर करने के जुर्म में उसको जलाने का उनको मिला दीजिए पॉपकॉर्न बन जाए, पर उनको जलाने के एक रात पहले बटू गार्ड ग्यारह दिन में सो गया, तब वो उठा था तो कॉन ने जेल डोलने का एक आइडेंटिकल गेम उनको सच्चे में मार डाला, अब उनके पाउडर बनते हुए थे और अपना पाँव निकालने को नहीं करी तो फिर ना चाहते हुए भी अपना पाँव तोड़ना पड़ा, अरे वहाँ पर एक इंस्पिरेंट पड़ा था वहाँ पर एक इंस्पिरेंट पड़ा था जिससे उनने सोचा कि अपना पाँव काट लेगा तो अच्छा होगा, और एक और भाई पीछे होती है उनके भाई सुपर पावर होती है उनके पाँव मिलते उग जाता है पाँच या छः महीनों में अगर उनके पाँव में होता तो, पर उनके हाल बच्चे में नहीं होता तो उन्हें अपने टुक और उनसे कुंडे में और कुछ महीने बाद उनके पाँव ठीक हो गया, ओ पर उनकी टोड़ी खत्म नहीं हुई, वहाँ पर एक वाला पुलिस वाले का भाई आया जुआ वाला जिसको पढ़ा रहा उनने अपने भाई के साथ क्या किया उनने अरे उसके अंदर एक पीएल डाल दिया और उसके अंदर ऐसे पीएल डालने के बाद
ठीक है, पर उसका झड़ा अलग हो गया गलती से और बिगड़ हो गया। अब वो अबाउट कितनी थे उसके ऊपर लड़की सीख फेंक दी, कितने फेंकी वो आपको वीडियो में आगे पता चलेगा। उसके बाद एक दिन कॉर्बूट लड़ी हालत बैठा, तभी वहाँ पर उसने जेल देखा, जिस जेल वालों ने उसको पकड़ लिया और जेल से तो भाग गया। और तभी उसको पता चला कि एक आदमी है बट जो क्रिमिनल की मदद करता है, और उस आदमी को बताने की जा गया और होता एक अच्छा है चीज। तो उसकी पाँव देख दी, उसके पाँव में चोट घुसाई, हाँ पर उसका खून निकला, फिर भी वो हल्का था चिल्लाई भी रही और उसको एक मुक्के में उसकी दाढ़ियाँ दिला दी और बोला कि हाँ। और ये बात अच्छा चीज थी, उसके ऊपर रिगत सीख फेंकी थी, उसको रिगत उसको उसको पैसे मिले थे कि किसी के भी ऊपर फालतू की रिगत सीख फेंकने के, और उसने कॉर्ड के ऊपर फेंक दिया सिंपल। हम लोग भाई अच्छा जी के पास पर हम सोचते हो कि कॉर्ड तो कभी अपनी पाव नहीं दिखाई, जिसमें सौ कितने दी थी कॉर्ड को, वही अच्छा चीज ने उसको दी थी। और कॉर्ड को बोला था नल्ला आता है पर भूल गया है, सीधा टू बूट कब आएगा इसको लड़ना सीखना इसका, तो इसके लिए उन्हें कुछ और फिर उन्हें अच्छा चीज का बूट आई ट्रेनिंग करी। और उसके बाद वो बटू अच्छा चीज जब उसकी ट्रेनिंग पूरी हो गई, तब अच्छा चीज ने उसको उनकी ट्रेनिंग पूरी करने के लिए एक सर्कुलर सौ दी उसका इनाम में, और कौन की गाड़ी यहाँ पर ही खत्म होती है।